10 पैसे से लेकर 70 पैसे के हिसाब से बनती है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी मैं बताते जाता हूं आपको। घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं की विद्युत दरों में 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि करी है। कृषि पंप के जो विद्युत दरें हैं उसमें 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की है। जो मांग और उपलब्ध उत्पादन के विश्लेषण के अनुसार टीओडी जो टाइम ऑफ डे का टैरिफ होता है उसकी संरचना करी है। अभी क्योंकि हमारे राज्य में सौर्य ऊर्जा का काफी उपलब्धता है तो हमने टीओडी को सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक सोलर आवर्स के लिए उसको हमने इस बीच में जो विद्युत उपयोग होगी उसमें करीब हमने विद्युत दर का 80% ही लेवी करने का विचार किया है, जिसको हम आप भी कवस कहेंगे। और जो 5 बजे से लेके 11 बजे तक ये हमारा अब नया पीक आवर्स होगा, जिसमें कि हम प्रचलित विद्युत दर का 120% का दर निर्धारित करेंगे। और बाकी जो 11 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक है वो हमारा नॉर्मल आवर्स होगा। तो जो टीओडी की जो संरचना है पूरी तरह से हमने उसको बदल दिया है। जो ये दरें जो है टीओडी जो लगती हैं जो उच्च दाब वाली श्रेणी के HV2, HV3 और HV4 के कंज्यूमर्स के ऊपर में लगेगी, घरेलू के ऊपर में नहीं है। कार्बन फुटप्रिंट और पर्यावरण संरक्षण के लिए हमने ग्रीन एनर्जी क्रैक करने के लिए इच्छुक उपभोक्ताओं के लिए ग्रीन एनर्जी टैरिफ भी हमने डिजाइन किया हुआ है। रेलवे का जो 20% का लोड फैक्टर रिबेट है उसको हमने समाप्त कर दिया है। HV5 और LV5 में जो पोहा मुरमुरा मिल की जो ऊर्जा प्रभार में 5% की छूट चल रही थी उसको जारी रखे हुए हैं। पोहा मुरमुरा लोगों को 5% की जो विद्युत दर की छूट मिलती थी वो जारी रखी है एग्जिस्टिंग टैरिफ में, उसको कंटिन्यू रखा गया। हाँ, गैर सब्सिडी वाले कृषि विद्युत पंप है उनके उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में जो 20% की छूट मिलती थी वो अभी जारी रखी गई है। किसानों के खेतों में लगे हुए जो पंप और खेत की रखवाली के लिए जो छोटा सा घर बनाते हैं उसके जो उसमें जो बिजली की कंजम्पशन होती है 100 वाट तक उसको हमने घरेलू में ही स्वीकृत किया है, स्वीकृत करके जारी किया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में जो और बस्तर और सरगुजा में जो सरकारी हॉस्पिटल वगैरह जो नर्सिंग होम डायग्नोस्टिक सेक्टर बने हैं उनको 5% की छूट हमने जारी रखी है। गैर मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनेंगे और चार्जिंग हो गए उसकी दरें निर्धारित की है, तो पहले 5 रूपये थी इसको बढ़ाकर हमने 6.92 रूपये किया हुआ है, जो कि औसत विद्युत लागत के बराबर है। जो महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए को ध्यान में रखते हुए उनको जो 10% की छूट मिलती थी स्वरोजगार के लिए और जो महिलाओं का ग्रुप सा है उनको जो 10% की छूट मिलती थी उसको जारी रखा हुआ है। राज्य के वे जो कुछ क्षेत्र हैं जो अभी भी नक्सलवाद से प्रभावित हैं उनमें जो नया पहले से चला आ रहा है 1/4/2019 से कुछ मोबाइल टावर्स लगे हैं और अब लगते जा रहे हैं, तो उनकी में जो 50% की छूट है उसको 25% तक सीमित की गई है। रक्षा अनुसंधान के जो स्थापना के जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको 15% की रियायत जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है उसकी 15% की छूट को जारी रखी गई है। पोहा मुरमुरा वाले जो उच्च दाब में भी हैं और निम्न दाब में भी हैं दोनों को जो 5% की छूट है वो भी जारी रखी गई है। स्टील जो HV4 कैटेगरी है जो रोलिंग मिल और मिनी स्टील प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके विद्युत दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है।